Hello dear students, today we are starting our chapter number 7. Chapter number 7 name is Adaptation in Plants. Adaptation in plants means which place their plants are grow and they adopted their atmosphere and their environment. And adaptation means the change that help to plant grow in a particular region. Adaptation means क्या रहता है? जिस place पर plants grow करते हैं और वहाँ के atmosphere में जो changes होता है उस चेंजेस को अडॉप्ट करके उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग प्लांट्स का ग्रो करना, दैट मींस अडॉप्टेशन. सो इन दिस पार्ट, इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ प्लांट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर ग्रो इन अवर द होल वर्ल्ड इन द अर्थ. मेनी पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर प्लांट्स आर ग्रोन. देयर आर मेनी टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन इन अवर द वर्ल्ड. फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. Terrestrial plants means they are grown on the land surface. And second one is aquatic plant. Aquatic plants means they are grown in the water surface area. And then also we learn plants of the grass family. Some plants are belong to the grass families. So which types of plants are grown in and belong to the grass family? We are discuss about in this particular part. And also we learn some interesting plants. Some interesting plants means plants are not produce their own food. They make their food with the help of the some animals, eat some animals. So in this particular types of plant we learn in this particular part. In this part we learn about the types of plants. Types of plants means how many types of plants are present in around us. In this part we learn about the terrestrial plants. Terrestrial plants mean that plants that are grow on the land. Which type of plant that are grown on the land surface? So how many types of terrestrial plants are there around us? So there are the 6 types of terrestrial plants in around us. First is plants in plains. Plants in plains mean the plains regions mein grow karte hain wo plants. Plants in desert. प्लांट्स इन डेजर्ट मीन जो डेजर्ट एरिया में और रीजन में प्लांट्स जो ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं प्लांट्स इन डेजर्ट. प्लांट्स इन माउंटेन, दिस टाइप्स ऑफ प्लांट दैट आर ग्रो ऑन द माउंटेन रीजन. प्लांट इन द मार्शी एरिया, द टाइप ऑफ प्लांट्स दैट आर ग्रो इन द मार्शी एरिया. प्लांट इन कोस्टल एरिया, द पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट दैट आर ग्रो ऑन द कोस्टल रीजन. एंड द लास्ट वन इज प्लांट इन द रेन फॉरेस्ट. Some places are very heavy rainfalls, so the particular type of plants are grown here. So in this part we learn about the plants in plains. So let's cover a screen. Types of plants. प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ. प्लांट अर्थ के हर जगह ग्रो करते हैं. डिफरेंट प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस लाइक हॉट डेजर्ट, कोल्ड माउंटेन्स, बैड प्लेन्स, मार्सी एरियाज. डिफरेंट प्लांट डिफरेंट एरिया प्लेसेस पर ग्रो करते हैं, जैसे हॉट डेजर्ट, कोल्ड माउंटेन्स, बैड प्लेन्स एंड मार्सी एरियाज. द प्लेस वेयर अ प्लांट ग्रो और एन एनिमल लिव्स नेचुरली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. वह स्थान जहाँ पर प्लांट्स ग्रो करते हैं और एनिमल्स नेचुरली रहते हैं उसको उनका हैबिटेट बोला जाता है. प्लांट्स हैव चेंज्ड देमसेल्फ टू सूट डिफरेंट हैबिटेट्स इन विच दे लिव्ड फॉर मैनी ईयर्स. प्लांट्स अपने आप को उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग जिसमें वो बहुत टाइम से रह रहे हैं उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं. The changes which help a plant to survive in its habitat are called adaptation. वह changes जो plant को उसके habitat में survive करने में help करता है उसको adaptation बोलते हैं. For example, a lotus plant grow well in ponds or lakes while a mango tree grow well in plains. For example, lotus प्लांट जो होता है वो पॉन्ड्स और लेक्स में अच्छी तरह ग्रो कर सकता है. उसी प्रकार मैंगो ट्री भी प्लेन्स में अच्छी तरह ग्रो करता है. टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स के टू टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड सेकेंड इज एक्वाटिक प्लांट्स. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स
प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरिस्ट्रियल प्लांट्स। वह प्लांट्स जो लैंड पर ग्रो करते हैं उनको टेरिस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं। टेरिस्ट्रियल प्लांट्स आर फाउंड इन प्लेन्स, माउंटेन्स, मार्सेस एंड डेजर्ट। टेरिस्ट्रियल प्लांट्स प्लेन्स, माउंटेन्स, मार्सेस एंड डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। प्लांट्स इन प्लेन्स, इन प्लेन्स द क्लाइमेट इज हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर। प्लेन्स का क्लाइमेट समर में हॉट एंड विंटर में कोल्ड होता है। ट्रीज दैट ग्रो इन प्लेन्स हैव लॉट्स ऑफ ब्रांचेस। वह ट्री जो प्लेन्स में ग्रो करता है उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। दे कैन वियर द हीट ऑफ समर बट सेट देयर लीव्स इन ऑटम। और वह समर की हीट को सहन करते हैं बट ऑटम में अपनी लीव्स को क्या कर देते हैं, सेट मीन्स गिरा देते हैं। दीज ट्रीज ग्रो न्यू लीव्स इन द स्प्रिंग। और इन ट्रीज की स्प्रिंग में न्यू लीव्स ग्रो करने लगती हैं। ट्रीज लाइक गुलमोहर, बनियान, सॉल, नीम, पीपल एंड सीसम ग्रो इन प्लेन्स। कुछ ट्री जैसे गुलमोहर, बनियान ट्री, सॉल ट्री, नीम ट्री, पीपल ट्री एंड सीसम ट्री प्लेन में ग्रो करते हैं। लेट्स नो मोर। ट्रीज विच सेट देयर लीव्स इन ऑटम आर कॉल्ड डेसीड्यूअस ट्रीज। वह ट्री जो ऑटम में अपनी लीव्स को सेड मीन्स गिरा देते हैं उनको डेसीड्यूअस ट्रीज कहते हैं। सो व्हाट वी लर्न इन दिस पार्ट, वी लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ प्लांट्स। मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं सर, अनॉटस, व्हाट टाइप के प्लांट्स जो हमारे चारों में पाए जाते हैं, सम आर एक्वाटिक एंड सम आर टेरेस्ट्रियल। इन दिस पार्ट वी लर्न अबाउट द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। इस पार्ट में टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में पढ़ा, द पर्टिकुलर प्लांट दैट आर ग्रो ऑन द लैंड सरफेस एरिया, वो प्लांट जो लैंड सरफेस एरिया पर ग्रो करते हैं। एंड वी लर्न इन दिस पार्ट प्लांट्स इन प्लेन्स, द टाइप ऑफ प्लांट्स दैट आर ग्रो इन द प्लेन्स एरिया। शो here our first part is complete. If you have any kind of doubts, so watch the video again.